हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम लोग इस चैनल पे पहली बार जो है पबजी के मिथबस्टर करने वाले, मिथबस्टर के एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले। तो इस एपिसोड में हम लोग पता करने वाले पबजी के 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रोबेबली आपको नहीं पता होंगे। जी हाँ, नहीं पता होंगे। तो ये जो है अपने मिथबस्टर की पहली सीरीज़ होगा अपने चैनल पे, और शायद पबजी मोबाइल के गेम प्ले तो नहीं होगा, लेकिन गेम प्ले भी इसके अंदर होगा। तो आज हम लोग 10 ऐसे मिथ्स को मतलब देखने वाले हैं कि वो रियल है या फिर फेक है या फिर कितना काम करता है। तो मुझे जो है इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो इसका पार्ट आता रहेगा, जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। तो मिथ नंबर वन, तो हम लोग देखेंगे मिथ नंबर वन। तो मिथ नंबर वन पे है कि अगर आप लोग रनिंग ट्रेन में हो तो आप लोग ग्रेनेड से नहीं मर सकते। तो जी हाँ, मिथ नंबर वन यह है कि आप लोग रनिंग जो ट्रेन है, मतलब न्यू अपडेट मिशन इग्निशन में जो ट्रेन है, उस ट्रेन में आप लोग रनिंग ट्रेन में आप लोग ग्रेनेड से नहीं मर सकते। तो यहाँ पे सामने आ चुकी है ट्रेन, तो ट्रेन की खिड़की से जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है दरवाज़ा ओपन होने तक। तो यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, ट्रेन जो है चल चुका है, तो ट्रेन को थोड़ा सा स्पीड गेन करने देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कर देंगे ग्रेनेड, और यहाँ पे ग्रेनेड दिख तो रहा है। क्या हम लोग मर जाएंगे? मुझे तो लगता है मर जाएंगे क्योंकि ग्रेनेड दिख रहा। और नहीं गाइस, आप लोग जो है रनिंग कार में, मतलब रनिंग ट्रेन में बॉम्ब से नहीं मर सकते। तो रनिंग में तो हम लोग नहीं मर सकते, क्या जब ये ट्रेन रुक जाएगा तब हम लोग मरेंगे? तो चलो, ट्रेन का स्टॉप जो है सामने ही है, थोड़ा सा वेट कर लेते ट्रेन का रुकने का। तो रनिंग ट्रेन में तो बॉम्ब दिखता ज़रूर है, लेकिन बॉम्ब का इफेक्ट आपको नहीं होता है, मतलब आप लोग बॉम्ब से नहीं मर सकते रनिंग कार में। तो कार का मतलब ये रनिंग ट्रेन का रुकने का वेट करेंगे। सॉरी, मैं बार बार कार बोल दे रहा हूँ ट्रेन के बदले, तो आदत नहीं है। ये अपने सीरीज़ का जो है पहला मिथबस्टर है। और हाँ, मैं वीडियो को इतना ज़्यादा खींच रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट का वीडियो बनाना है भाई, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सामने ही रुकने वाला है, क्योंकि इसका स्टेशन आ गया। तो ट्रेन रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, तो ट्रेन रुक चुका है, तो यहाँ पे करेंगे ग्रेनेड। दरवाज़ा भी खुल गया, यहाँ पे ग्रेनेड कर दिया। तो यहाँ पे दोबारा से जो है ग्रेनेड दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से इस बार हम लोग मर जाएंगे। और हाँ जी हाँ, इस बार हम लोग मर गए। तो मिथ जो था रनिंग गाड़ी में हम लोग नहीं मर सकते, तो मिथ कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे मिथ नंबर टू की तरफ। तो हमारे भाई ने जो यहाँ पे मिथ दिया है, वो मिथ नंबर टू ये है कि अगर आप टेस्ला कार को बनाते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टेस्ला फैक्ट्री पे, जहाँ पे हम लोगों को 3 लीवर एक्टिवेट करना होता है टेस्ला कार को बनाने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता 3 लीवर कहाँ होता है, एक होता है यहाँ पे, आप लोग देख लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि मिथबस्टर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकूँ कि कैसे टेस्ला को बनाते हैं। तो ये दूसरा लीवर, और तीसरा लीवर होगा यहाँ पे बीच पे होगा तीसरा। तीनों लीवर हमने यहाँ पे दबा दिया है, तो यहाँ पे बन रहा है टेस्ला कार। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा अभी तक कि टेस्ला कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से उठा दिया है टेस्ला, और इसको टायर के ऊपर बिठा दिया, और अभी इसको भेजा जाएगा पेंट करने के लिए। तो इसके अंदर से होके ये गाड़ी जो है पेंट होने वाला है। तो ये गया कार, और यहाँ से निकलने वाला है ब्लू कलर से, एक ही कलर से होके निकलता है। तो भाई के मिथ के हिसाब से हमें अभी एक ओके, तो हमें यहाँ पे चेस्ट एक मिल चुका है, मतलब ड्रॉप। क्या इसमें हमें लूट मिलेगा? जी हाँ, तो इसमें हमें फिर से लूट मिल चुका है, मतलब फिर से नहीं, लूट मिल चुका है। तो भाई ने जो बोला था कि अगर आप लोग टेस्ला बनाते हो तो आपको लूट मिलेगा, मतलब ड्रॉप मिलेगा, जो कि मिला है। तो मिथ यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब, तो अब हम लोग मिथ नंबर थ्री की तरफ। तो इस बार हमारे एक और भाई मिथ नंबर थ्री में ये कहते हैं कि अगर आप तो भाई यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप कांच वाले खिड़की से स्मोक को फेंक देते हो तो स्मोक वहीं पे गिर जाता है, मतलब स्मोक जो है अपनी जगह पे गिर जाता है। तो इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। आ चुके हैं हम लोग स्क्वाड हाउस में, जिसमें खिड़की होती है। तो सामने है खिड़की, तो मैं डालूंगा स्मोक, और ये मैंने स्मोक डाल दिया। और देख के तो ऐसा ही लगा कि स्मोक जो है खिड़की में टकरा के वापस अपने पे गिर गया, लेकिन नहीं,
स्मोक जो देख सकते हो जहाँ तक स्मोक जाना था वहीं पे जाके स्मोक खुल चुका है। तो एक और बार ट्राई करेंगे और इस बार जूम और स्लो मोशन के साथ देखेंगे। जी हाँ, एनिमेशन तो यही होता है कि स्मोक लग के वापस आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आता है, वो जो है बाहर जहाँ पर जाना होता है देख सकते हो वहाँ पे जाके गिर जाता है। तो अपने पे एक फ्लैश ग्रेनेड है, उसके साथ भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो इस खिड़की से हम लोग भेजेंगे और ये फ्लैश ग्रेनेड गया, और एनिमेशन से तो ऐसा ही लगता है कि फ्लैश ग्रेनेड जो है टकरा के वापस आ जाता है, लेकिन नहीं, सारे चीज़ों जिसको आप लोग फेंक सकते हो वो सारे जो है खिड़की फांद के चले जाते हैं। तो भाई ने कहा था कि जो है आप अगर कुछ फेंकते हो तो वो नहीं जाता, आपके पास ही गिर जाता है। तो यहाँ पे मिथ हो चुका है बस्ट, यह पहला मिथ है जो बस्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग भरेंगे मिथ नंबर 4 की ओर। तो मिथ नंबर 4 में हमारे भाई कहते हैं कि आप न्यू मोड में जो यार कन्वर्टर है आप उसको गोली से तोड़ सकते हो। क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको गोली से तोड़ पाएंगे, क्योंकि भाई ये लोहे का बना हुआ है, तो पता नहीं इसको गोली से तोड़ पाएंगे कि नहीं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे, ये मिथ बहुत ही बढ़िया है, तो ट्राई करेंगे। अरे बाप रे भाई, मैंने सोचा नहीं था कि ये ब्लास्ट होगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देख नहीं पाए, ये ब्लास्ट ज़रूर हुआ, तो एक दूसरे वाले पे ट्राई करते। ये ब्लास्ट ज़रूर हुआ लेकिन हम लोग इसको देख नहीं पाए कि ये सच में फूटा है कि नहीं। तो हो सकता है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसीलिए बस्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ट्राई करेंगे इसको बस्ट करने की और देखेंगे कि सच में ये बस्ट होता है कि नहीं। और दिया यहाँ पे धमाके के साथ ये जो गायब हो चुका है। अरे बाप रे, ये बहुत ही बढ़िया मिट था, क्योंकि मुझे इससे पहले ये जो मिट था ये पता नहीं था। अगर आप लोगों को भी पता नहीं था तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो ये मिथ जो है बहुत ही बढ़िया था, और अभी अगर हम लोग एंटर क्लिक करते तो ये दिखाता है कि फुल है, तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने मिथ नंबर 5 की तरफ। तो मिथ नंबर 5 में अपने भाई ये कहता है कि न्यू अपडेट के बाद स्मोक अगर मिट्टी पे गिरता है तो वो अपने आप ही ओपन हो जाता है टाइम से पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइमिंग जो है अभी भी 3 सेकेंड बचा हुआ था, लेकिन फिर भी स्मोक जो है खुल गया। मतलब अगर स्मोक ज़मीन पे गिर जाता है टाइम पूरा होने से पहले भी, तो भी स्मोक खुल जाएगा। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो अभी हम लोग बनेंगे मिथ नंबर 6 की तरफ। तो अगर आप लोगों को पिछले वाला मिथ समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके देख लो। तो इस वाले मिथ में हमारे भाई कहते हैं कि अगर आप कार को ब्लास्ट कर दोगे ट्रेन के सामने तो ट्रेन रुक जाएगा। तो चलो इस मिथ को भी ट्राई कर लेते हैं। तो टेस्ला को ही हम लोग करेंगे, क्योंकि टेस्ला जो है इस मोड का बहुत ही खास कार है। तो ओ भाई, यहाँ पे क्या हुआ भाई? टेस्ला को उड़ा के चला गया और यहाँ पे बॉट आ गया है एक, तो बॉट को मार देंगे हम लोग। तो बॉट को मार दिया गया है, तो टेस्ला को पोजीशन करेंगे। सामने से जो ट्रेन आ रहा है तो यहाँ पे टेस्ला को बस्ट कर दिया हम लोगों ने, और सामने से आ रहा है ट्रेन। तो क्या लगता है आपको? हाँ, वैसे जो गाड़ी टूटा हुआ होता है उसको तो किसी भी तरीके से हम लोग हटा नहीं सकते ग्रेनेड या किसी। और ये अरे 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 भाई, ये तो गाड़ी को हटा के चला दिया भाई। तो भैया ने, और यहाँ पे बंदा आ गया भाई, शांति से कोई काम नहीं करने देता। अरे भाई, मिथबस्टर बना रहा हूँ तो बनाने देना। तो भाई ने तो बोला था कि ट्रेन रुक जाएगा, तो ट्रेन तो नहीं रुका, हालांकि उसने गाड़ी को भाई धक्का दे के चला गया। तो हैंस मिथ इज बस्टेड। तो अभी हम लोग बनेंगे मिथ नंबर 7 की तरफ। तो मिथ नंबर 7 में हमारे भाई ने जो काफ़ी सारे स्टेप्स बोले हैं। तो पहला स्टेप है गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट करो, फिर जो है ढलान से गाड़ी को बूस्ट करके एग्जिट कर दो। तो सबसे पहला स्टेप की हम लोग बात करते हैं, तो चारों टायर को हम लोग यहाँ पे फोड़ देंगे। तो 2 टायर फोड़ चुके हैं, अभी और 2 टायर फोड़ेंगे। ये 2 टायर और वो आपके 2 टायर हमने फोड़ दिए। तो अभी बैठेंगे गाड़ी पे, तो गाड़ी को बूस्ट में चलाएंगे। और ढलान तो है यहाँ पे, ये जो है मिलिट्री बेस का पहाड़ है। तो देखते हैं क्या ये गाड़ी अपने आप चलेगा एग्जिट करने के बाद भी। तो यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। और भाई भाई, गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है। अरे भाई रुक जा भाई, अरे बेंचोद, ये क्या हो रहा है भाई? गाड़ी जा रहा है और अरे भाई गाड़ी कहाँ गई? देखो भाई, गाड़ी जाके सामने दीवार पे अड़ गई भाई। अगर दीवार नहीं होता तो शायद सीधा नदी में जाके गिरता। ओ भाई, बहुत ही बढ़िया मिथ था। ये मिथ जो है आगे भी काम आ सकता है, क्योंकि बिना गाड़ी के ड्राइवर। तो मिथ इज कन्फर्म्ड। तो अभी हम लोग बनेंगे मिथ नंबर 8 की तरफ। तो मिथ नंबर 8 में हमारे भाई कहते हैं कि आप अगर टेस्ला को ऑटो पायलट में चला के एग्जिट कर दो तो गाड़ी अपने आप चलेगी। क्या सच में ये जो है पिछले फैक्ट की तरह काम करेगी ऑटो पायलट में? तो हम इसको सेट कर देंगे ऑटो पायलट में, और थोड़ा सा स्पीड होने के बाद एग्जिट कर देंगे। तो थोड़ा सा स्पीड होने देते और कर देंगे एग्जिट,
और भाई अपनी हेल्थ के कारण मर चुकी है, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है टेस्ला कार जो है रुक चुकी है, ये जो अपने आप नहीं जा रहा। तो पिछली बार की तरह नहीं है कि टायर बस्ट कर दिया तो ये गाड़ी अपने आप ही चलेगा। तो ऑटो पायलट में भी अगर आप गाड़ी से एग्जिट कर देते हो तो टेस्ला अपने आप ही ब्रेक मार देगा भाई। ये बहुत ही बढ़िया मिथ था। हालांकि मुझे एक टाइम के लिए लगा भी था कि भाई ऑटो पायलट है, पता नहीं गाड़ी अपने आप ही चलती रहेगी, लेकिन नहीं, टेस्ला में शायद ऐसा सिस्टम इन्होंने फिट करके रखा है कि बिना पायलट के ये ऑटो पायलट नहीं होगा। ओके, तो हैंस मिथ इज बस्टेड। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे मिथ नंबर 9 की तरफ। तो एनिमेशन लगाओ भाई। ओके, तो मिथ नंबर 9 में हमारे भाई ये कहते हैं कि न्यू अपडेट में जो शील्ड आया है उस शील्ड को आप लोग पहन के 5 बार इसे तोड़ सकते हो क्या? मैं नहीं मानता भाई। क्या मैं नहीं इतने मानता। इतने जो और सख्त शील्ड है उसको हम लोग बस 5 ही पहन के हिट से मार देंगे, जिसको कि बहुत सारे गोली मारने से भी नहीं टूटता। तो ठीक है, 5 हिट मारेंगे यहाँ पे और गिनेंगे भी कि भाई क्या हो रहा है। तो मारेंगे 5 हिट, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्रैक आ चुका है 5, और ये भाई शील्ड फूट गया। अरे भाई शील्ड फूट गया भाई, पैन के 5 बारी में शील्ड फूट गया। इस शील्ड को फोड़ने के लिए भाई पता नहीं 2-3 रील गोली से भी ज़्यादा गोली लगती है, और भाई ये पैन के 5 हिट में टूट गई। ये तो शायद उस पिछले अपडेट वाले में जो, और यहाँ पे ड्रॉप शॉट देखे बंदे को मारा, तो पिछले जो स्नो वाला अपडेट था उसी की तरह है कि पैन मार के टूट जाता है। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो अभी हम लोग अपने फाइनल मिथ जो कि है मिथ नंबर 10 उसकी तरफ चलेंगे। तो मिथ नंबर 10 में हमारे भाई ये कहते हैं कि आप लॉबी में जो रोबोट देखते हो तो उस रोबोट को आप लोग जो है हवा में उठा सकते हो। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? ये तो लॉबी में हमेशा ही बदमाशी करता रहता है। तो ये अपना, ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आप लोग पॉपुलैरिटी भेजना चाहते हो तो भेज देना। ओके, तो यहाँ पे जो रोबोट है वो शैतानी करते रहते हैं, तो हम उसको सजा के तौर पर हवा में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने से तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसको कैसे हवा में उठाते? ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, अच्छा तो मुझे पता चल गया भाई इसको कैसे हवा में उठाना है। तो आपको बस रोबोट के ऊपर क्लिक करना होता है और उसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करना होता है। सीधा ड्रैग करोगे तो रोबोट जो है ऊपर उठ जाएगा भाई। ये बहुत ही बढ़िया मिथ था। तो थैंक यू भाई ये मिथ देने के लिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी फैक्ट, मतलब कोई भी मिथ आपके लिए नया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तो ये मिथ भी कन्फर्म हो जाता है। तो ये ख़त्म हुई अपनी मिथबस्टर की पहली सीरीज़। अगर इस वीडियो में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो आप लोग जो है अपना मिथ कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसको अगले वीडियो में फीचर करूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।